ये कहानी है एक ऐसी छोटी सी ग्रामीण बालिका की जो एक दिन रानी बनी और फिर ऐसा राज किया कि भारतीय जनमानस में देवी बनकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय समाज और इतिहास के बारे में गढ़े ढेरों मिथकों को ध्वस्त करता है। हम उन्हें पुण्य श्लोक देवी अहिल्या बाई के नाम से जानते हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र। रानी अहिल्या बाई के पूर्व राजा युधिष्ठिर और राजा नल को पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई है। विक्रम संवत 1782 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तदनुसार 31 मई 1725 ईस्वी को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे चौड़ी नामक गांव के पाटिल थे। वे पशुपालन करने वाले गड़रिया या धनगर समाज के थे। अहिल्या बचपन से ही अत्यंत होनहार थी। मालवा के मराठा शासक मल्हार राव होलकर एक दिन कहीं जा रहे थे। मार्ग में चौड़ी गांव पड़ा तो वहां थोड़ी देर के लिए ठहर गए। वहां उनके कानों में आरती के स्वर पड़े। ग्रामीणों से पूछा कि आरती गा रही ये बच्ची कौन है। उन्हें बताया गया कि उसका नाम अहिल्या है। मल्हार राव बच्ची के दैवीय स्वरों से मंत्रमुग्ध थे। उसी क्षण उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव का विवाह अहिल्या के साथ तय कर दिया। इस प्रकार से 12 वर्ष की भोली भाली अहिल्या मालवा की राजवधू अहिल्या बाई होलकर बन गई। राज परिवार ये देखकर आश्चर्यचकित था कि अहिल्या राजकाज से जुड़े जटिल से जटिल कार्यों के हल चुटकियों में निकाल देती थी। उसकी वाणी पर मानो सरस्वती स्वयं वास करती थी। ससुर मल्हार राव ने अपनी बहू को बेटी की तरह प्रश्रय दिया। वर्ष 1754 में कुंभेर के युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। वे सती होना चाहती थीं, लेकिन ससुर मल्हार राव ने समझा बुझाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। मल्हार राव ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी की तरह तैयार किया। अहिल्याबाई को युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया। वर्ष 1765 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया। तब मल्हार राव दिल्ली में उसकी सेना से लोहा ले रहे थे। दूसरी ओर अहिल्याबाई ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ ग्वालियर के पास गोहद किले पर मराठा ध्वज फहरा दिया। वर्ष 1766 में मल्हार राव का निधन हो गया। इसके बाद पूरा राजकाज अहिल्याबाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने पुत्र मालेराव का राज तलक कराया, लेकिन उनकी भी कुछ ही महीनों में मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्ष 1767 में औपचारिक रूप से अहिल्याबाई होलकर का राज तिलक हुआ और वे मालवा की रानी बनी। अहिल्याबाई ने प्राचीन भारत के ग्रंथों में वर्णित महिष्मती नगरी अर्थात महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर नर्मदा के किनारे उन्होंने अपना सुंदर महल भी बनवाया। 18वीं शताब्दी में महेश्वर नगर साहित्य, संगीत और कला का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। सादगी भरा जीवन और भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था रखने वाली अहिल्याबाई ने रानी बनते ही जो अभियान आरंभ किया, वो भारत और सनातन धर्म के इतिहास में किसी क्रांति से कम नहीं। ये वो कालखंड था जब सदियों के इस्लामी आक्रमणों से हिंदू समाज का आत्मविश्वास और स्वाभिमान लगभग चकनाचूर हो चुका था। बादशाह बनकर बैठे जिहादियों ने हिंदुओं के लगभग सभी पवित्र तीर्थों और मंदिरों को तोड़वा डाला था। लेकिन मराठा शक्ति के उदय के साथ अब उनका चंगुल
ढीला पड़ रहा था। ध्वस्त पड़े प्राचीन देवालयों के लिए महारानी अहिल्याबाई ने राजकोष खोल दिया। चाहे काशी हो या मथुरा, अयोध्या हो या ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, रामेश्वरम हो या अमरकंटक, कदाचित ही कोई ऐसा हिंदू तीर्थ होगा जहां उन्होंने अपने जीवन काल में कोई कार्य ना कराया हो। रानी अहिल्याबाई ने हजार से अधिक मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया। इसके अतिरिक्त उत्तर से दक्षिण तक देश भर में सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई गईं, तालाब और कुएं खुदवाए गए। ये एक मानचित्र है जो बताता है कि कैसे देश का कोई भी कोना रानी अहिल्याबाई के कार्यों से अछूता नहीं रहा। इस चित्र में केवल एक स्थान नहीं है, वो है पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका पेशावर। देवी अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं 3 दिन तक वहां रहकर पंज तीर्थ मंदिर का पुनरोद्धार कराया था। दुखद है कि देश बंटने के बाद ये मंदिर आज गोदाम की तरह प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 1777 में महाशिवरात्रि के दिन महारानी अहिल्याबाई ने औरंगजेब द्वारा ढहाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया था और 3 वर्ष में ही इसे पूरा भी करवा दिया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नया प्रांगण हम देखते हैं, उसमें बना मुख्य मंदिर रानी अहिल्याबाई का ही बनवाया हुआ है। भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग में आज रानी अहिल्याबाई भी एक देवी की तरह से पूजी जाती हैं। काशी विश्वनाथ ही नहीं, वाराणसी के कई पवित्र मंदिर और मणिकर्णिका घाट भी रानी अहिल्याबाई की ही देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर का जब उद्घाटन किया तो वे भी देवी अहिल्याबाई के योगदान को स्मरण करना नहीं भूले। यहाँ विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, महेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था। कन्या शिक्षा में रानी अहिल्याबाई का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य में कई कन्या विद्यालय स्थापित कराए जिनमें महिलाएं शिक्षिका होती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट ने लिखा है, रानी अहिल्याबाई के राज में सड़कें दोनों तरफ वृक्षों से घिरी रहती थीं। यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। निर्धन और बेसहारा लोगों के लिए रानी के द्वार सदैव खुले रहते थे। एक ऐसी शासिका जो पूरे समाज में सम्मानित थी। प्रख्यात स्कॉटिश कवित्री जुआना बेली देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने उनके बारे में एक लंबी कविता लिखी है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। For 30 years her reign of peace, the land in blessing did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. Yea, even the children at their mother's feet are taught such homely rhyming to repeat. In latter days, from Brahma came to rule our land a noble dame. Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name. अहिल्याबाई भारतीय धर्म और समाज के बारे में बनाए गए कई मिथकों को तोड़ती हैं। उनकी कहानी बताती है कि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने गुणों से पूजा जाता है, ना कि जाति या कुल के नाम से। भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को सदैव से महत्व दिया जाता रहा है। रानी अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े।
इनमें वे स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया करती थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रानी अहिल्याबाई ने ईसवी वर्ष 1767 से लेकर 1795 तक 28 वर्ष शासन किया। एक महिला जिसे पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु के बाद इच्छा ना होते हुए भी शासन संभालना पड़ा, लेकिन एक बार सिंहासन संभाला तो काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ गई। भक्तिभाव ऐसा कि अहिल्याबाई ने अपना राज्य ही भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। राजकीय घोषणाओं में भी वे श्री शंकर नाम से हस्ताक्षर करती। धर्म रक्षा और पुनर्स्थापना के छत्रपति शिवाजी के अभियान को सही अर्थों में आगे बढ़ाने वाली रानी अहिल्याबाई ही थी। उनकी कहानी से ये विश्वास प्रबल होता है कि जब तक सृष्टि है, सनातन धर्म का ध्वज कोई झुका नहीं सकेगा।